गाइस यहाँ कुछ पौधे लाए हैं क्योंकि काफी पौधे हमारे खराब हो गए थे, ये हम लगाएंगे तब मैं बताऊंगी ये किस किस का है। ये हर सिंगार का पौधा है, तो गाइस ये पौधे हमने लगा दिए हैं। ये स्नेक प्लांट लगाया है, ये स्पाइडर छील लिया है मैंने, मूंगफली भी छील के मैं इनकी एक नमकीन बनाऊंगी जो बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है और फ़ायदा भी करती है। डायबिटीज़ में आप खा सकते हो, चने तो वैसे भी फ़ायदा करते हैं। गाइस यहाँ कढ़ाई में डाले हैं 2 चम्मच घी, देसी घी है ये, ज़रा सा ही है। अब इसमें डाल दी हमने मूंगफलियाँ, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। डाले हैं चने, भुने हुए चने थे ये, हल्का सा भुनेंगे हम इन्हें, और नमक और चाट मसाला बस यही डालना है। ये बनकर सही तैयार हो जाएगी शाम की चाय के लिए, इवनिंग स्नैक बन जाएगा ये। बनकर तैयार है, तो गाइस ये बनकर तैयार है। 3 नट चना, नमकीन, ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप चाय के साथ शाम को खा सकते हो, कभी भी खा सकते हो। चलिए तो ये इसे ठंडे होने के बाद मैं इसे किसी डिब्बे में भरूंगी। तो गाइस ये हो रहा है शाम का टाइम, खाना पीना वगैरह दोपहर का करके मैं थोड़ी देर सो गई थी। अब मैंने बना ली है चाय, तो चलो चाय पीते हैं और साथ में खाते हैं बिस्किट। चलिए गाइस चाय पी लेते हैं। मम्मी हमारे को भी दे दो, गाइस को पिला दियो तो। तो गाइस दोपहर का काम करने के बाद मैं अपनी ड्रेसिंग एरिया की सफाई कर रही थी, तो मुझे एक मेहंदी का कोन मिला और इधर ये गुनगुन के समर वेकेशन चल रहे थे तो इसका भी मन नहीं लग रहा, तो बोली लाओ मम्मी मैं आपकी मेहंदी लगा देती हूँ। तो गाइस देखो ये मेरे मेहंदी लग रही है, तो गाइस मेरे मेहंदी लगकर हो गई है तैयार। कौन सी मेहंदी है ये बताना आप, अरेबिक है। कैसी लग रही है ये मेरी मेहंदी ये भी बताना। चलिए गाइस तो ये सूख जाएगी तो मैं दिखाऊंगी आपको कैसा कलर आया है इसका।
तो गैस मेहंदी लगवा कर मैं आ गई हूँ। अभी तो टाइम लगेगा मेहंदी को सूखने में, ये देखिए। तो इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में।